शाहजहां और मुमताज अजब प्रेम की गजब कहानी। जब मंगनी के बाद शादी में 5 साल लग गए थे। जब भी प्रेम कहानियों और उसकी निशानियों का जिक्र होता है तो मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का नाम जरूर आता है। 5 जनवरी 1592 को पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे शाहजहां की 13 शादी हुई थी। शाहजहां ने सबसे ज्यादा प्रेम मुमताज से ही किया। इतिहास के सबूत भी दर्ज हैं। इतालवी इतिहासकार निकोलाओ मनुची लिखते हैं, यूं तो बादशाह शाहजहां का नाम कई औरतों से जुड़ा गया, लेकिन उन्होंने बेपनाह प्यार सिर्फ अपनी मुमताज महल से किया। उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन सबसे ज्यादा समय वो मुमताज के साथ बिताते थे। मुमताज महल की छवि एक खूबसूरत महिलाओं के तौर पर रही है, लेकिन इतिहास कहता है कि शासन के मामले में वो शाहजहां की मदद करने में पीछे नहीं रही हैं। मीना बाजार में हुई पहली मुलाकात में दिल दे बैठे। हर तरफ नवरोज का जश्न मनाया जा रहा था। मीना बाजार को सजाया गया जाता था। बाजार में महिलाएं गहने मसाले और कपड़े समेत कई चीजें बेच रही थी। यहाँ से होने वाली आमदनी को गरीबों में बांटने की पहल की गई थी। मीना बाजार को इलाका था जहाँ सिर्फ शाही परिवार के लोगों की एंट्री थी, इसलिए महिलाएं बिना नकाब के बाजार में मौजूद थी। शाहजहां और मुमताज महल की मुलाकात मीना बाजार में हुई। हालांकि उस वक्त उन्हें बादशाह शाहजहां की पदवी नहीं मिली थी, इसलिए शहजादे खुर्रम ने नाम से जाने जाते थे। खुर्रम मीना बाजार से गुजर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो कीमती पत्थर और रेशम के कपड़े बेच रही थी। बेहद शकीले के साथ कपड़ों को तहाते हुए एक से दूसरी तरफ रख रही थी। उसे पहली बार देखते ही दिल दे बैठे। लड़की की आवाज़ सुनने के लिए उन्होंने दुकान से एक कीमती पत्थर उठाया और कहा, यह कैसा है? लड़की ने कहा, ये पत्थर कीमती हीरा है। इसकी खूबसूरत और चमक से आपको अंदाजा नहीं लगा क्या? 20,000 रुपए है इसकी कीमत। खुर्रम उनकी बात सुनकर कीमत देने को तैयार हो गए तो वो हैरान हो गई। खुर्रम ने कहा वो अगली मुलाकात तक पत्थर को सीने से लगाकर रखेंगे। कुछ मिनट की बातचीत में वो लड़की यह समझ चुकी थी कि यह कोई आम बात नहीं है। खुर्रम की बात सुनकर डरते हुए बोली, पर अगली मुलाकात होगी कब? खुर्रम ने बहुत धीरे से बोला, जब दिल मिलेंगे तब इसके मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। कैरोलिन आर्नोडल और मेडेलिन कोमना ने अपनी किताब ताजमहल में शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी का जिक्र किया है। वह लिखते हैं कि उस लड़की का नाम था अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद के दादा मिर्जा ग्यास बेग थे जो अकबर के शाही दरबार का हिस्सा थे। वहीं फूफी मेहरुन्निसा की शादी बादशाह जहांगीर से हुई जो नूरजहां ने नाम से चर्चित हुए। शाही रस्म रिवाज के साथ मंगनी हुई। अर्जुमंद बानो सिर्फ सुंदर ही नहीं, समझदारी और दूरदर्शी भी रही। इनकी इसी खूबी को देखते हुए परिवार वालों ने बेहतरीन तालीम दी। यही वजह थी कि अरबी और फारसी के कविताओं लिखने के लिए जानी गई। अर्जुमंद बानो की समझदारी और लेखक ने चर्चे होते थे। एक दिन शहजादे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम ने पिता जहांगीर से अर्जुमंद बानो का जिक्र किया और शादी कराने की बात कही। बादशाह दोनों की मंगनी कराने के लिए राजी हुए। शाही रस्म रिवाज के साथ दोनों की मंगनी हुई और शहजादे ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अर्जुमंद बानो को पहनाई। नूरजहां ने भी अपनी भतीजी की शादी शहजादे से कराने का खास दिलचस्पी ली। मंगनी के बाद शादी के लिए 5 साल का इंतजार। मंगनी के बाद दोनों को 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। इसकी वजह थी कि दरबारी ज्योतिषियों ने दोनों की शुभ शादी की जो तारीख तय की वो 5 साल है।